सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। अब जिक्र करते हैं कुछ आर्ट का, कुछ आर्ट से, पेंटिंग से। आपको शौक है फहीम उसका? बहुत ज्यादा। और कहा यह जाता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर आपने पेंटर के बारे में या आर्टिस्ट के बारे में कुछ जानना है तो उसकी आर्ट फॉर्म को जज कीजिए, देखिए, महसूस कीजिए। यानी पेंटिंग को लोग, आपने देखा होगा अक्सर जहाँ नुमाइश होती है इन फनपारों की, वहाँ पेंटिंग्स को लोग खड़े होकर बड़ी देर तक देखते रहते हैं। और कहा यह जाता है कि जब आप उनके फनपारों को देखते हैं, उनकी पेंटिंग्स को देखते हैं, तो आप आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इन पेंटिंग्स की नुमाइश कहाँ हुई है? बहुत सारी जगहों पर होती रहती है, लेकिन आज इस्लामाबाद से। वैसे तो हमेशा हमें सियासी खबरें ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐवान सदर से आपको आर्ट की एक खबर दे रहे हैं हम। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐवान सदर में फनपारों की नुमाइश हो रही है, और इस नुमाइश में 5 मुसव्वरों के 100 शाहकारों को जगह मिली है। भाई क्या बात है, बेहतरीन। इस पे मेरे ख्याल में हमारे पास कोई रिपोर्ट भी यकीनन तैयार होगी, और वो रिपोर्ट भी जो है वो हम देख सकते हैं, लेकिन हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे रिपोर्ट देखने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से पॉसिबल हुई हैं वो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये कोई ऐसा आसान सा काम नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ का जो है वो स्टॉल लगा लिया या किसी चीज़ की नुमाइश रख ली, जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। ये एक आर्ट फॉर्म है, और इस आर्ट को कुंद रिवायत का नाम दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके बारे में आप सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना वर्दा के साहिब ज़ौक लोग जो होते हैं ना, वही इस चीज को जो है वो समझ सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल में यहाँ हम दोनों में से बड़ी साहिब ज़ौक हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ही उस शख्सियत का तारुफ करें जिनकी वजह से ये सारी चीजें आज पॉसिबल होने जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जावेद साहब, अबानी हैं क्रिसेंट आर्ट गैलरी के, और ये मुझे अच्छी बात की लगी, नए आने वाले पेंटर्स को प्रमोट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, एंड वेलकम टू दुनिया बोले। थैंक यू सो मच। और हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन अभी होने वाली है। देखिए ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, और ये तसद्दुक साहब की पेंटिंग है। अभी हमने रिसेंटली एक लंदन में शो किया है और जुलाई में, और अब यूके पार्लियामेंट से आपको अवार्ड भी मिला है। यूके पार्लियामेंट में हमें बहुत सराहा, और दोनों साइड से सराहा गया, मतलब यूके के मतलब क्वींस की तरफ से भी, और उधर से भी। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमारे हाई कमीशन ने हमारी सपोर्ट की, तो इस तरह हमारी काफ़ी इसके अंदर वर्ल्ड वाइज हम अपने आर्ट को जो प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को, तो उसमें काफ़ी हमें मदद मिल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान, वो इसके अंदर इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। वेरी गुड। तो अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि प्रेसिडेंट हाउस में, तो ये आप समझे कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं आर्ट के ऊपर इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं प्रमोट करने के लिए, तो उन्होंने हमें इसके अंदर मौका दे रहे हैं। चलिए, वी आर ग्लैड। हमने कहीं सुना कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आर्ट में, किसी शोबे को सपोर्ट कर रही है, इसमें इंटरेस्ट ले रही है, वरना हमेशा हमें शिकायत ही सुनते हैं, लेकिन आई मीन ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं नासिर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि जनरेशन का गैप आया हुआ है, अब जो जनरेशन आई है मिलेनियम के बाद वाली, वो हमारे उन पेंटर से वाकिफ नहीं जो कि हमारा सरमाया थे, जैसे साद कैन साहब, गुलजी साहब हो गए। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके नाम भी ये लोग जो है नहीं जानते, बड़े अफसोस के साथ। तो ये जो फनपारे आप यहाँ पर लेकर आए हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इनकी शख्सियत से ही जो है वो शुरुआत की जाए, ताकि ये जो इस वक्त बहुत बड़े तबके के लिए ये लोग नामालूम हैं, और इसकी क्या वजह है ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं नेशनली भी इंटरनेशनली भी, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कैटर कर पाएंगे इस सवाल को कि क्यों लोग इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ले पा रहे हैं। दिलचस्पी तो देखें, आप किसी को बता ही नहीं रहे तो दिलचस्पी कैसे लेंगे आप? बिल्कुल। फ़ोन की तो दिलचस्पी 6 महीने के बच्चों को आप देते हैं, वो गेम खेल रहा होता है फ़ोन के ऊपर, लेकिन आप जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है, जिससे हमें बिजनेस मिलना है, जिससे हमारी दुनिया में एक रहनुमाई है, आप अगर तो हम लोग किसी को बताते ही नहीं है। आप सोचें कि आपके पास कितने अरसे बाद आर्ट का शो हो रहा है। लेकिन अनासिर साहब मुझे एक बात बताइए, बहुत से लोग जैसे कि अब किसी को बच्चे को हम देखते हैं बचपन से ही, बाज़ लोग होते हैं बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी पेंटिंग्स इतनी अच्छी होती हैं, उनका आर्ट इतना अच्छा होता है, स्केचिंग वगैरह, कि उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पेरेंट्स या उनके घर वाले उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उस अपने उस प्रोफेशन में नहीं आने देते आर्ट के, हाँ कि नहीं आने देते, कहते हैं एग्जैक्टली कि भाई क्या करोगे, इससे कुछ नहीं होता, ये प्रोफेशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं कमा सकते। तो बच्चों के कहीं ना कहीं वो एक होती है, लेकिन ये शायद हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे नए जो लोग हैं आर्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आने वाली यंग जनरेशन इस तरफ आ ही नहीं रही है। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आती बात के वो खुद ही नहीं जानते तो आपको क्या समझाएंगे। जब एक सियासतदान का बच्चा तो सियासतदान बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंजीनियर का, और डॉक्टर का बच्चा तो डॉक्टर ही बनने की ट्राई, उसको वही पुशअप दिया जा रहा है, तो ये तो एक अवेयरनेस है। आप उसको बच्चे को काम करना चाहिए, और आर्ट कोई आपको ब्लॉक नहीं कर रहा किसी भी काम से। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आर्टिस्ट हैं,
बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, तो वो अपने आर्ट के ऊपर वो लोग काम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।